हेलो माय फैमिली, मैं प्रकाश चक्रवर्ती इसका पीटर दुख से तो आप सभी के लिए आज का हमारा जबरदस्त तरीके का आर्म्स वर्कआउट होगा जो 100% आपके आर्म्स को यार इंप्रूव कर सकता है। बस आप लोग मेरे साथ एंड तक बने रहना और वीडियो को अच्छे से वॉच करते हुए सही तरीके से अपने पूरे वर्कआउट को परफॉर्म करना और नेचुरल आर्म्स को 100% ग्रो कर पाओगे इस वर्कआउट के थ्रू। बट जितने भी नए भाई देख रहे हैं, किस चीज का इंतजार कर रहे हो यार, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को हिट कर दो ताकि यार आप लोगों तक भी सारे वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंच सके, क्योंकि मैं आप सबके लिए पूरा रूटीन ट्रेनिंग वर्कआउट लेके आता हूँ पूरे वीक का, जिससे आप नेचुरली अपने मसल बिल्डिंग गोल को इजिली अचीव कर पाओगे। तो यार वेट मत करो, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, भग मत जाना देख के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बॉडी वेट ट्रेनिंग से। तो यहां पे हम पुशअप में होल्ड अप, होल्ड अप, होल्ड अप चार बार ले लेंगे। इसके बाद तुरंत चार हाफ लेंगे एंड देन चार फुल। 12 बार का सिर्फ 2 सेट है, कर लेना, मिस मत करना, बहुत अफेक्टेड रहेगा। पहले राउंड में ही आपके ट्राइसेप में अच्छा इफेक्ट दिख पाएगा आपको। और यहीं पे आप फर्स्ट स्टार्ट करोगे फोर आर्म्स से, तो फोर आर्म्स में आप लोगों को ये बारबल पकड़ लेना है और बारबल को सिंपल रखना है। होल्ड डाउन, होल्ड डाउन, होल्ड डाउन, होल्ड डाउन, चार बार कर लिए और उसके बाद हाफ बस एंड देन फुल। पूरा घुमाए, पूरा छोड़े, पूरा घुमाए, पूरा छोड़े, चार। तो ये 12 बार का 2 सेट ले लेना। चाह मेरे हिसाब से कोई खास वेट नहीं लगना है आपको, ब्लैंक रॉड भी अच्छा इफेक्ट दिखाएगा। अगर हाँ किसी को ज्यादा पंप चाहिए तो उसमें वेट ऐड कर लेगा, सीनियर इंटरमीडिएट जूनियर, इसमें मैं कोई वेट नहीं देना चाहूंगा। इसी के बाद तुरंत आप ये वाला फोर आर्म्स ले लेंगे जो आपका सेम वैसे ही होगा, इसलिए अच्छे से दिखा रहा हूं। होल्ड डाउन, होल्ड डाउन, होल्ड डाउन, होल्ड डाउन, इसके बाद हाफ हाफ एंड देन फुल फुल फुल। इसे भी सेम इसी की तरह परफॉर्म कर लेना, सिर्फ 2 ही सेट है। इसके बाद हम चलते हैं हमारे एक्चुअल वर्कआउट की तरफ जो है हमारे बाइसेप्स के। तो यार लिमिटेड एडिशन में आज का मैं आप लोगों के लिए आर्म्स वर्कआउट रखा हूं, तो ये बहुत अफेक्टेड होने वाला है। तो फर्स्ट आप यहाँ कैसे परफॉर्म करेंगे अच्छे से देखिएगा। तो बारबेल ले लिए और आप यहाँ बैठ गए, और बैठने के बाद आपने ये हाफ लिया 4 बार, और जैसे ये 4 बार आपका हाफ हो जाएगा यहीं पे आप होल्ड अप, होल्ड अप, होल्ड अप 4 बार इसी तरीके से, बीच में होल्ड किए फिर अप किए, कुछ सेकंड का होल्ड है, फिर जैसे ही हो जाएगा होल्ड अप फिर आप यहां खड़े हो जाएंगे एंड देन फुल रेंज ऑफ मोशन में 4 बार। तो यार ये थोड़ा सा ही परफॉर्म करने में देख लीजिए कैसे विंस आ गया बाइसेप्स में, तो ये बहुत अफेक्टेड है। और यहाँ पे किसी को भी एकदम हाई फाई वेट नहीं लेना है, नॉर्मल वेट लेंगे, सीनियर और इंटरमीडिएट का होना चाहिए, सिर्फ 2 ही सेट परफॉर्म करना है 12 का, है ना। बट याद रखना हाफ ले लिए यहीं बैठ के, फिर होल्ड अप, होल्ड अप, फिर खड़े हो गए, तब देखना क्या जबरदस्त इफेक्ट दिखाएगा। और ज्यादा वेट मत लेना, सीनियर और इंटरमीडिएट 5-7.5 ले लेना, जूनियर बिगनर 2.5-5 ले लेना, और गर्ल्स ब्लैंक और 2.5 किलो ले लेना। बहुत जबरदस्त और बहुत अफेक्टेड है। अगर हाँ ज्यादा लगता है ना वेट भाई, तो प्लीज कम कर लेना, अंदाज वेट दिया हूँ, बहुत अफेक्टेड रहेगा। तो फिर यार ये आप लोगों का दूसरा बाइसेप्स का वेरिएशन है, जहां आप बैठ के डंबल लेंगे, और डंबल में आप कैसे परफॉर्म करेंगे अच्छे से देखिएगा। फर्स्ट आप फुल परफॉर्म करेंगे, देखिए थोड़ा सा डंबल को यार ऐसे रखिएगा, है ना, और ये आपने 5 बार फुल कर लिया, और जैसे आपका 5 बार फुल हो जाएगा फिर आप ये 5 बार हाफ लेंगे जो आपका बीच में होगा, ना ऊपर ना नीचे, ठीक है। 5 बार ये ले लिए, फिर देन होल्ड अप, होल्ड अप, होल्ड अप, होल्ड अप, इसे 5 बार ले लिए। ऐसे करते हुए
इसके भी सिर्फ दो सेट लेने, जहां आप लोगों को कोई भी हाई फाई वेट नहीं लेना है। कंदाज वेट सीनियर का 7.5, इंटरमीडिएट का भी, सीनियर इंटरमीडिएट का 7.5-10 किलो, जूनियर बिगनर का 5-7.5 किलो, गर्ल्स का 2.5 और 5 किलो। बहुत जोरदार इफेक्ट डालेगा भाई, देख लो हल्का सा अगर दिख रहा होगा आप लोगों को विंस विंस तो बताना, मुझे तो दिख रहा है मिरर में बट कैमरे में उतना क्लियर नहीं दिख पाता, इसलिए सारा मजा नहीं आता, दिल टूट जाता है कि कैमरा उतना अच्छे से क्यों नहीं कर पाता जैसे मिरर अपने को शो कर रहा है। तो ये आपका एक राउंड हो जाएगा, दो सेट बस ले रहे हैं, जहाँ वेट आप लोगों को मैंने बता दिया है, और 15-15 का ही है, और ये आप लोगों का सॉरी 4-4 बार बताया ना, 12-12 का है, तो ये भी 12-12, ये भी 12-12। फिर इसके बाद आप लोग ये हैमर को परफॉर्म करेंगे तुरंत। फिर हैमर में आप लोगों को कैसे करना है, ये आप पहले हाफ लेंगे, और हैमर में यार थोड़ा ज्यादा बार लेंगे हम लोग, 5 बार हैमर, ये 5 बार हो जाएगा। और जैसे ये 5 बार आप हैमर लेंगे, फिर होल्ड डाउन, होल्ड डाउन, होल्ड डाउन, होल्ड डाउन, फिर 5 बार होल्ड डाउन हो गया, फिर फुल रेंज ऑफ मोशन में 5 बार, और यहाँ पे तीसरा बाइसेप्स जो मेरा ऑलवेज फेवरेट है और बहुत मजेदार भी है, उसको परफॉर्म करने में आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। तो फर्स्ट आप 5 बार हाफ ऐसे ले लेंगे बीच में, एंड फुल 5 बार ले लेंगे, और होल्ड आपका यहां भी बीच में होगा, होल्ड अप, होल्ड अप, होल्ड अप। तो ये भी आप लोगों का 5-5 का 2 सेट्स है, ये भी आप लोगों का 5-5 का 2 सेट्स है। जहां पे एक अंदाज वेट देना चाहूंगा, हैमर में सीनियर लोगों का होना चाहिए 10 और 12 किलो, सीनियर और इंटरमीडिएट, हैमर इजी है 10-12 का डंबल ले लोगे, जूनियर बिगनर 7.5-10 किलो लेना, और गर्ल्स 5 किलो 7.5 किलो लेना हैमर में, और इसमें आप लोगों का एक ही डंबल यूज होने वाला है। तो सीनियर इंटरमीडिएट 15 का डंबल और 12 का डंबल यूज कर लेंगे, 12-15 का, जूनियर और बिगनर 10 और 12 का कर लेंगे, गर्ल्स 7.5 और 10 किलो का कर लेंगे इसमें। तो यहाँ पे ओवरऑल आपके पूरे बाइसेप्स कंप्लीट है, बस इतने ही बाइसेप्स को आज परफॉर्म करना है, और तो हमारा बाइसेप्स खत्म। अब ट्राइसेप स्टार्ट हो गया, तो ट्राइसेप में आप क्या क्या फॉर्मेट में परफॉर्म करेंगे अच्छे से देखना। फर्स्ट यार आप सिंगल हैंड डंबल लेंगे, और सिंगल हैंड डंबल को इस तरीके से फुल रेंज ऑफ मोशन में आप 5 बार परफॉर्म कर लेंगे, और जैसे ही आप 5 बार परफॉर्म करेंगे, फिर यहाँ पे आप 2 डंबल को पकड़ लेंगे और इस तरीके से इसे फिर 5 बार परफॉर्म करेंगे, एंड देन फिर इसे 5 बार परफॉर्म करेंगे। तो 15 बार का एक सेट है, तो ये एक सेट 2 बार परफॉर्म करना है, जहां आप लोगों को कोई हाई फाई वेट नहीं लेना है। सीनियर का वेट होगा 5 किलो, इंटरमीडिएट का सॉरी सीनियर और इंटरमीडिएट का 5 और 7.5 किलो होगा, जूनियर बिगनर का 2.5-5 किलो होगा, गर्ल्स का 2.5 किलो और 5 किलो ही होगा। क्योंकि यार देखो, इसे आप पहले 5 बार ले लिए हाफ, यहाँ पे हम लॉक और हाफ फुल कर नहीं सकते क्योंकि यार बहुत हैवी हो जाएगा। तो इसे आप 5 बार लिए, फिर तुरंत इस मूवमेंट में 5 बार लिए, फिर आपने किक बैक 5 बार लिया, तो ये आपका एक सेट हुआ। ऐसे ही आप इसके 2 सेट बस परफॉर्म कर लेना, और यहीं पे फिर इसके बाद हम तुरंत इसे ले लेंगे 5 बार, और जैसे ही ये 5 बार हो जाएगा, फिर हम इस हाथ से 5 बार लेंगे, फिर हम यहां इसे 5 बार ले लेंगे, फिर 2 डंबल को यूज करते हुए ऐसे बाहर फेंकते हुए इसे 5 बार लेंगे। तो यहाँ पे आप लोग सब अपने हिसाब से वेट चॉइस कर लेना, इसमें थोड़ा हैवी वेट रख लेना, सीनियर और इंटरमीडिएट 15-17 का डंबल ले लेना, जूनियर बिगनर 12-15 का ले लेना, गर्ल्स 10 से 12 किलो ले लेना इसमें, और ये वाला तो और ये वाला सेम, इसमें जो वेट दिया वही वेट यूज कर लेना। तो यहाँ पर ये वाला ट्राइसेप होगा, फिर इसके बाद आप आ जाएंगे यहाँ पे किक बैक ट्राइसेप की तरफ, जो आप लोगों को कैसे परफॉर्म करना प्लीज थोड़ा अच्छे से देखना। ये आप नीचे नीचे हाफ लेंगे पहले 5 बार, एंड 5 होल्ड, ऊपर आके होल्ड करें फिर नीचे आ गए, ऊपर आके होल्ड किए फिर नीचे आ गए, ऊपर आके होल्ड किए फिर नीचे आ गए, ऊपर आके होल्ड किए, 5 बार ऐसे होल्ड हो गया, फिर 5
फुल रेंज ऑफ मोशन। तो 15 बार का 2 सेट आप परफॉर्म कर लेना। अगर आप लोग में से कोई वेट रख सकता है तो वेट लेके परफॉर्म कर लेना। वैसे मैं चाहूंगा कि वेट लेके करूँ, ज्यादा अच्छा इफेक्ट दिखेगा ट्राइसेप में। सीनियर और इंटरमीडिएट 20 या 15 किलो या 20 या 25 किलो का प्लेट रख लेना। जूनियर बिगनर 10 से 15 किलो का प्लेट रख लेना, और गर्ल्स 7.5 से 10 किलो का, ज्यादा अफेक्टेड होगा। इसके बाद वाला ट्राइसेप प्लीज अच्छे से देखना, सही तरीके से परफॉर्म करना बस। तो फर्स्ट आप 5 बार इसे परफॉर्म कर लेना सिंपल तरीके से, और जैसे ही 5 बार ये हो जाएगा दोनों साइड का ले लेना, ठीक है। और जैसे ही आप लोगों का 5 बार हो जाएगा फिर आप 2 डंबल पकड़ लेंगे, और 2 डंबल में इस तरीके से इसे 5 बार ले लेंगे, और फिर उसके बाद इसे आप 5 बार ले लेंगे। तो 15 बार हुआ, तीनों को एक साथ ऐड किया, तो तीनों को एक साथ ऐड करके परफॉर्म करना। तब आपको एक सेट होगा, सिर्फ 2 ही सेट परफॉर्म करना है, जहां पे वेट ज्यादा किसी को नहीं लेना है। 5 और 7.5 सीनियर इंटरमीडिएट का हो जाएगा, जूनियर बिगनर का 2.5-5 किलो, गर्ल्स का भी 2.5 से 5 किलो रहेगा। क्योंकि यार फर्स्ट इसे 5 बार लोगे, फिर तुरंत 2 डंबल उठा के इसे 5 बार लोगे, फिर इसे 5 बार लोगे, तो एकदम प्रॉपर तरीके से जो नहीं भी आप लोगों के डेवलप्ड हो रहे मसल्स ट्राइसेप्स के, वो भी हो जाएंगे। तो यहाँ ओवरऑल हमारा बाइसेप्स और ट्राइसेप्स कंप्लीट होता है। अब मशीन में कुछ बाइसेप्स और ट्राइसेप्स और थोड़ा सा फोर आर्म्स को ऐड कर लेना, जो आपको 100% और अच्छा रिजल्ट दिखाएगा। तो मशीन में आप लोगों को ट्राइसेप कैसे परफॉर्म करना है, यहाँ पे आपको हाफ और लॉक का फुल यूज करना है। तो फर्स्ट आप होल्ड करेंगे 5, 1 सेकेंड एंड अप, होल्ड एंड अप, होल्ड एंड अप, होल्ड एंड अप। तो 5 बार इसे आप ले लेंगे, एंड देन हाफ इसका आप कैसे परफॉर्म करेंगे, ये हाफ होगा, बस थोड़ा सा उठाए और पूरा नीचे ले गया, 5 बार हाफ, बस ये होल्ड के बाद 5 बार, फिर तुरंत फुल रेंज ऑफ मोशन में 5 बार। तो 15 बार का 2 सेट ले लेना, जहां वेट आप अपने हिसाब से चॉइस कर सकते हैं। इसके तुरंत बाद आप फिर इसमें भी वही यूज करेंगे ट्रिक, ये आप लोगों का हाफ 5 बार, 5 हाफ हो गया, फिर आप होल्ड डाउन, होल्ड डाउन, होल्ड डाउन, होल्ड डाउन, होल्ड डाउन, 5 बार ऐसे होल्ड वाला हो गया, फिर 5 फुल रेंज ऑफ मोशन। तो जबरदस्त तरीके से यार इफेक्ट दिखेगा ही दिखेगा, 100% है, बस ऐसे ही परफॉर्म कर लेना भाई। ये आपका ट्राइसेप हो गया, इसके बाद तुरंत आप ये वाला बाइसेप्स ले लेंगे, जिसमें आप लोगों को पीछे पीछे हाफ लेना है। पीछे पीछे हाफ हो गया आप लोगों का 5 बार, फिर यहां पे होल्ड छोड़ देना, होल्ड छोड़ देना, होल्ड छोड़ देना, फिर फुल रेंज ऑफ मोशन में 5 बार। तो ऐसे करते हुए इसे भी 2 सेट ले लेना है, और यहां पे आप लोगों का पूरा ओवरऑल बाइसेप ट्राइसेप कंप्लीट हो गया। लास्ट में एक फोर आर्म्स आप लोग ऐड कर लेना, जो आपको अच्छा इफेक्ट दिखाएगा। सिंपल तरीके से ले लेना इसे, ठीक है। इस तरीके से बैठ गए और ऐसे कर लिया आपने नॉर्मल, 15 का 2 सेट ले लेंगे, और एक थोक इसे भी ऐड कर लेना है। फोर आर्म्स बहुत मजेदार होता है, 15 का 2 सेट। फिर आप अपने बकायदा फोर आर्म्स बाइसेप ट्राइसेप को पोज करके जरूर देखना, मिस मत करना पोजिंग को, और मसल माइंड कनेक्शन एक्टिव रखते हुए परफॉर्म करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड सपोर्ट मी, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय।